महादेव ऐप पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं द्वारा सीएम पद से इस्तीफा की मांग करने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो पैसे के साथ पकड़ा गया है उसकी रमन सिंह के साथ फोटो है, उसके पार्षद के करीबी है, परसों तक कोई नहीं जानता था शुभम सोनी को, अचानक वह महादेव ऐप का मालिक बन गया है। उसके पहले ईडी के अधिकारी उसे महादेव ऐप का अधिकारी बता रहे थे और ये ऐसे मालिक है जो अपने नौकर की शादी पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। ऐसा करने वाला दुनिया में पहला उदाहरण होगा। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहां पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो दो अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे, वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, अरे फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था मजा लीजिए 17 तारीख, नहीं अभी ब्रेक लेंगे थोड़ी, 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे भाई, उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना, थोड़ा छुट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे।